हाई फ्रेंड्स आई एम रियली सॉरी आई प्रोमिस यू ऑल दैट आई अपलोड दिस इलास्टिटी ऑफ डिमांड वेरी शॉर्टली बट आई फेलोड फ्रॉ माई प्रोमिसम रियली सॉरी सोले स्टैट इलासिटी ऑफ डिमांड ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है क्या होती है यू नो वी द इलास्टिक रिबन फॉर आवर हेयर ब्रांड एज अवर हेयर ब्रांड वो क्या होती है एक्सपांसन होती है कंट्रैक्शन होती है इलास्टिक होती है सो so, में डिमांड की जो एक्सपांसन और कंट्रैक्शन होती है ड्यू टू प्राइस उसे हम बोलते हैं प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड सो देर आज डिफरेंट इलासिटी ऑफ डिमांड जैसे कि प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड इनकम इलासिटी ऑफ डिमांड क्रॉस प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड सो पहले हम शुरू करेंगे आज प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड सो प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड क्या होती है इलास्टिस ड्यू टू गिविनटेज इन कमोडिटी इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी मतलब क्या होता है चलो समझाते हैं एक एग्जाम्पल से जैसे कि राइस हुई राइस का प्राइस, प्राइस फाइव रुपीज़ था और हम क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे थे टू के अगर हम प्रपोर्सिनेटली चेंज करें पाँच रुपये से ट्वेंटी रुपीज को मतलब पर जितनी परसेंटेज चेंज हुआ उतनी परसेंटेज से कितनी चेंज होती है हमारी क्वांटिटी डिमांड में प्राइस जब इतनी परसेंटेज चेंज हो रही है तो कितनी परसेंटेज से उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है दैट इज प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड सो लेट्स नो इट्स टाइप्स बेसिकली देर आर फोर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड और प्रोपोसीनेट मेथड सेकंड इज आर्क और मिड पॉइंट मेथड थर्ड इज जियोमेट्रिक और पॉइंट मेथड फोर्थ इज टोटल एक्सपेंडिचर टोटल आउटले और टोटल रेवेन्यू मेथड ये जो चार मेथड है हम उसको वन बाय वन डिफाइन करेंगे सो फर्स्ट इज परसेंटेज और प्रोपोसिनेट मेथड सो परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड जो होती है वो बड़े फेमस मेथड होती है वो फास्ट एंड फॉर्मोस्ट मेथड होती है हमारी प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए आज पर दिस मेथड द इज प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वानिटी डिमांडेड डिड बाई डिमांडेड का मतलब क्या हुआ जो प्रिलिमिनरी प्राइस अब न्यू प्राइस कितना है उससे हम कितना क्या, क्या डिफरेंस करेंगे हमारे प्रिलिमिनरी प्राइस कितना है मतलब पहले वो पांच रूपए था अब पच, पचास रूपये हो गए तो पचास से हम पांच को माइनस करेंगे फिर उसके साथ क्या करेंगे परसेंटेज निकालने की है आपको मुझे पता है या आपको पता होगा तो क्यू वन माइनस क्यू जीरोड बाड डिड बाय पी वन माइनस पी जीरोड बाय पी जीरो इंटू हंड्रेड जो हंड्रेड हंड्रेड होती है हमारे क्रॉस मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से कर जाएगी तो हमारे क्या रहा q1 वन माइनस क्यू जीरो डिवाइडेड बाई क्यू जीरो इंटू पी जीरो फाइनली हमारी प्राइस इलासिट का रूल क्या है माइनस की जीरो क्यू वन माइनस क्यू वन माइनस क्यू जीरो डिवाइडेड बाय पी वन माइनस पी जीरो इंटू पी जीरो बाय क्यू जीरो आपको पता है एग्जाम में बहुत बार कैलकुलेशन भी यहीं से आते हैं जैसे कि हम एक एग्जाम्पल एक ले सकते हैं इधर द प्राइस ऑफ ए पेन वॉज ट्वेंटी रूपीज देन क्वान्टिटी डिमांडेड वॉज हंड्रेड यूनिट्स एंड वेन द प्राइस ऑफ ए पेन बिकम देन डिमांडेड यूनिट्स कैलकुलेट द ऑफ डिमांड सो इधर क्या बोले पहले जो है एक पेन का कॉस्ट कितनी थी ट्वेंटी रुपीज और उसकी क्वांटिटी कितनी थी हंड्रेड यूनिट्स थी फिर क्या हुआ अगर पेन का कॉस्ट ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव हो गई तो क्वांटिटी क्या हुआ हंड्रेड से एट्टी हो गई ये तो हमारी लॉ ऑफ डिमांड की भी एक रूल है अगर पैसा बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाती है तो हम प्राइस इलासिटी कैसे निकालेंगे रूल क्या बोलती है माइनस डिडेड बाय पी वन माइनस पी जीरो इंटू पी जीरोड बाई क्यू जीरो तो पुट करो उसकी वैल्यू मार क्या होगा माइनस एटी माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो वैल्यू कितनी आई माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव क्योंकि एटी माइनस हंड्रेड सो माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी बाय हंड्रेड सो क्या हुई माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गए ट्वेंटी बाय फाइव इंटू ट्वेंटी बाय हंड्रेड इक्वल टू कितने हुई फोर बाय फाइव सो जीरो पॉइंट एट ऐसे कैलकुलेशन आ सकती है जिसको हम बड़े इजी से हम फार्मूला लगाकर बस मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन जो भी है हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं ठीक है सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज आर्क मेथड और मिड पॉइंट मेथड सो इसका फॉर्मूला क्या है ई पी इज इक्वल टू इंटू पी जीरो प्लस पी वन डिवाइडेड बाई टू ऐसे हम क्यों किया देखो हम पहले इधर लिख लिख रखे हैं कि मिड पॉइंट मेथड हम किसी चीज़ के मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं जैसे जैसे कि 2 3. टू एंड थ्री टू नंबर्स आर देयर हम अगर उसकी मिड पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू कितना हुआ फाइव बाई सो टू ये उसका मिड पॉइंट हुआ सो so, हम P1 और P0 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम उसको क्या करेंगे पहले हम उसको मिला देंगे एडिशन कर देंगे फिर इससे टू डिवाइड कर देंगे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगी तो हमारी फाइनल फॉर्मूला इज दैट ई पी इज इक्वल टू प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू जीरो प्लस क्यू ने डिमांड कर डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट ऑफ एंड कर देखो एक डिमांड कर वे जैसे की पॉइंट ए है ये पॉइंट ए में लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर क्या है ए ही और अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं मतलब जीरो सो so, अगर हम इस डायग्राम को डिफाइन करेंगे देखो एक्स एक्सिस जो है वो सोच करती है क्वांटिटी और वाई एक्सिस प्राइस और इट इज डी डी डिमांड कर पॉइंट ए में हम देखते हैं कि लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट इज ए ई डिवाइडेड बाय जीरो सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो सो बहुत फेटली इलासिटी ऑफ डिमांड आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए इससे ही देखकर हम सेप और प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड कर में निकालेंगे जो बहुत टाइम हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आती है सो ए इज इक्वल टू ए ई बाई जीरो सो परफेक्टली इलासिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑफ बी बी में आप क्या देख रहे हैं बी में क्या है लोअर सेगमेंट बी और अपर सेगमेंट ए अगर एक बड़े संख्या से पाँच से तीन अगर हम कुछ बड़े संख्या से छोटे संख्या निकालेंगे तो वो मस्ट बी ग्रेटर क्या लोअर सेगमेंट है ई अपर सेगमेंट है सी ए इधर क्या है ई -E जितना है सी ए उतना है सो इट इज वन जैसे कि फाइव बाई फाइव इक्वल टू वन इलासिटी ऑफ डिमांड यू जस्ट रिमाइंड ऑल दिस वर्ड परफेक्टली इलासिटी ऑफ डिमांड क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत परफेक्शन होती है एक ही वर्ड होगा वो परफेक्ट वर्ड होगा ऐसे लिटरेचर नहीं है कि हम किसी और को किसी और से ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं उसे ऑर्नामेंटे कर सकते हैं नो इट्स इकोनॉमिक्स यू शुड बी वेरी परफेक्ट ऑन इट सो सी पॉइंट में क्या है सी बाई सी इक्वल सी डिवाइडेड बाई सी ए इक्वल टू वन विच इज यूनिटर इलासिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट डी लोअर सेगमेंट ई है और अपर सेगमेंट डी ए है अगर हम क्या करेंगे एक बड़े वाला क्या है बड़े वाला ऊपर के जो है हम ऐसे लिख लेंगे थ्री बाय ऊपर हम लिख थ्री बाय फाइव सो क्या हो गए पहले एक पॉइंट आएगा

अगर हम जीरो से किस चीज को डिवाइड करेंगे तो ऑबियसली जीरो होगा एंड इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड सो फाइव थिंग आर परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ऑफ डिमांड एंड इलास्टिक डिमांड नाउ गो टूअ लास्ट मेथड विच इज टोटल एक्सपेंडिचर टोटल आउटले और टोटल रेवन्यू मेथड जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर होती है उसका फॉर्मूला होती है पी इंटू क्यू मीन प्राइस इंटू इधर हम तीन केस लेंगे और हमारी मेथड को डिफाइन करेंगे। पहले केस क्या है प्राइस जो है पहले जब टू रुपये था तो क्वान्टिटी तीन था जब वो एक रुपए हो गया तो क्वांटिटी एट हो गई हम पहले से बता रखे हैं टी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू सो अगर प्राइस टू और क्वांटिटी थी तो टी इज इक्वल टू सिक्स टू एट सो तो इधर हम क्या देखे अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है दो रूपये से एक रुपए तो क्या हुआ हमारी जो टी है टोटल एक्सपेंडिचर है वो छह से आठ हो गए मतलब बढ़ गई प्राइस डिक्रीज किया और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गई और प्राइस जब इंक्रीज किया तो क्या हुआ टोटल एक्सपेंडिचर घट गई सो तो इधर देर इज ए प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है नेगेटिव रिलेशन है जहां नेगेटिव रिलेशन होती है वहां इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू तो लेस देन वन हम पहले पढ़ चुकेटिवली ऑफ डिमांड सेकेंड केस में क्या हुआ प्राइस दो रुपये थी क्वान्टिटी तीन था जो प्राइस घट गए एक रुपए तो क्वान्टिटी सिक्स हो गई इधर देखो प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन सिक्स हुई है इधर भी सिक्स हुई है सो इन दिस केस प्राइस घटे या बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहती है सेम रहती है इधर भी सिक्स इधर भी सिक्स टू इक्वल टू वन यूनिटरी ऑफ डिमांड केस थर्ड केस इज अगर प्राइस इधर देखो टू रुपीज क्वानिटी थ्री इधर प्राइस घट गई वन रुपीज तो क्वांटिटी फोर तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ जब प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांड भी घटती है अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है तो देर इज ए पॉजिटिव रिलेशन सो so, हियर ed डी इज इक्वल टू लेस देन वन एंड इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड सो हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे नेक्स्ट बार हम क्या करेंगे और दो भी इलासिटी ऑफ डिमांड है जैसे कि इनकम इलासिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड उसको डिस्कस करेंगे